हेलो दोस्तों, मैं रीना नरवाल अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको बताऊंगी कि यदि पति पत्नी के बीच अनबन हो जाए तो उसे कैसे दूर किया जाए। दोस्तों, मेरी ये वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, पति पत्नी के बीच अनबन होना स्वाभाविक सी बात है। क्या होता है, भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक आदमी इधर उधर की भाग दौड़ से सारा दिन परेशान हो जाता है और घर पर आकर उसे किसी न किसी छोटी छोटी मोटी बात पर गुस्सा आ ही जाता है। इसी प्रकार से एक औरत भी अपने बाल बच्चों, घर के कामकाज में व्यस्त रहती है और उसको भी फिर छोटी मोटी बात पर गुस्सा आ ही जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से पति पत्नी के बीच अनबन हुए बिना नहीं रहती। दोस्तों, इस अनबन को कैसे दूर किया जाए? दोस्तों, आपको क्या लेना है? सिंदूर और कपूर। सिंदूर और कपूर लेकर ये कपूर पति को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है और सिंदूर एक लाल कलर के कपड़े में, सूती कपड़े में लपेटकर प्रकार से इसे लपेटकर पत्नी को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। इसे गांठ नहीं लगानी है दोस्तों। इस प्रकार से रखकर सो जाना है और सुबह उठकर पति को अपनी पत्नी के तकिए के नीचे से सिंदूर निकालना है और उसे घर के चारों कोनों में फैला देना है। और दोस्तों, पत्नी को अपने पति के तकिए के नीचे से कपूर निकालकर अपने घर में, घर के आंगन में जला देना है। दोस्तों, ऐसा करने से पति पत्नी के बीच अनबन दूर हो जाती है। दोस्तों, एक बार फिर सुन ले, आपको क्या लेना है? कपूर और सिंदूर। कपूर को पति अपने तकिए के नीचे दबा ले, दबा कर सो जाए और सिंदूर को पत्नी, और सुबह उठकर इन्हें चेंज कर ले। पति सिंदूर ले ले और पत्नी कपूर। लेकर कपूर को लेकर पत्नी अपने घर के आंगन के बीच जला दे और सिंदूर को पति अपने घर के चारों कोनों में फैला दे। ऐसा करने से ऐसा माना जाता है दोस्तों कि पति पत्नी के बीच जो अनबन होती है वो दूर हो जाती है। तो दोस्तों, यदि आपके बीच भी आप पति पत्नी हैं और आपके बीच अनबन रहती है, बहुत बार लड़ाई झगड़ा रहता है, तो आप ये उपाय करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।